प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने आम बाग वन टांगिया गांव में जाकर वन टांगिया समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए और उनके साथ भोजन किया और तीनों वन टांगिया गांव को गोद भी ले लिया। ग्रामीणों ने अपने गाँव को गोद लेने का आग्रह सदर सांसद से किया, जिसके बाद सदर सांसद रवि किशन ने ऑन स्पॉट ये घोषणा भी कर दी कि आज से तीनों वनटांगिया गांव को गोद लेता हूं। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मुन्ना सिंह के द्वारा सहभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां उपस्थित ग्रामीणों को सदर सांसद अपने हाथ से भोजन परोस कर खिलाया एवं पारंपरिक गीत गाकर वहाँ उपस्थित माताओं बहनों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर उनके साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव और रंजन सिंह जुगनू, आशु सिंह एवं पवन दुबे के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल रहे। इस अवसर पर गोरखपुरी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि हमारा बहुत बड़ा हम सौभाग्य बाटे, सर्वप्रथम उनके हम प्रणाम करब जिनका नाम बाट डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ये बड़ा हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष। ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लीडर बहुत कम मिलते जिनमें ईमान। लोकप्रिय प्रधान मुन्ना जी द्वारा मंगाया गया है, रहा ना सब लोग आई फोटो ऐसा मत ठीक है सर। अरे संगठन के सब लोग आ जाए फोटो में दिखाई दे, लगता अकेले खड़ा है अखबार कि आवे और अपना खेल किट ले जाए। चंदन ठीक है, छोड़ दीजिए, चलिए माल भी ले लो। चार सामान देके केंद्रीय मंत्री जी गोद लिए थे प्रताप शुक्ल जी, तो हम चाह रहे हैं कि मेरे गांव को आप गोद लें, क्योंकि हमारा गांव जंगल में है और सभी गांव अभी इतना कुछ होने के बाद भी बहुत पिछड़ा दिख रहा है। हम लोगों को भी काफी बल मिलेगा गोद लेवे में, तार का खर्चा आई अब तो कौन खास आए यहाँ सब होगा। आज कौन गांव था, गांव का नाम रजही के हम बंटानिया के हम रवि किशन शुक्ल सांसद गोरखपुर, आज तीन बंटानिया के तारीख क्या है, रजही को 20 तारीख को रवि किशन शुक्ल गोद ले रहे हैं। सेवा दिवस में एक ये भी था कि सहभोज को जहाँ पर ये हमारे पूज्य महाराज जी योगी महाराज जी का बहुत ही आत्मा से प्रिय ये गांव है बंटानिया, ये पूरा परिवार ये जो समाज है, और यहाँ पर हम लोगों ने सहभोज रखा है, उसके में हम लोग रजही आमबाग बंटांगिया में आए हैं और आज आप लोगों के समक्ष हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी जो दिन रात काम करते हैं हम लोगों के लिए, ऐसे प्रधानमंत्री जी वो तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने पूरे देश में एक ये निर्णय लिया कि उनका सेवा दिवस मनाया जाएगा, जहाँ पर गरीबों को किताबें वितरण हुआ, जो भी स्पोर्ट्स के लिए खेलो इंडिया में स्पोर्ट्स की चीज़ें आज बांटी गई, स्टम्प बैट बॉल एंड फुटबॉल एवरीथिंग, और किताबें नोटबुक होंगी पेन होंगे, तो सारे गरीब जितने गरीब बच्चे आए आज उनके साथ बैठ के सब हो।